शर्ट नंबर एक से लेकर टोटल 22 शर्ट्स हैं हमारे पास, जी जी जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज और क्लास के जानवर खड़े होते हैं, यानी अडल्ट से लेके काव्स तक अलग अलग सेक्शन है, एज वाइज अलग सेक्शन है गया जानवरों की। और इसी तरह हमारा जो मिल्किंग हार्ड है उसकी भी प्रोडक्शन वाइज अलग अलग शेड में जिसकी ज्यादा प्रोडक्शन है। ये इस वक्त हमारे ड्राई जानवर है, खुश जानवर है जो 7वें महीने प्लस में है, जिनकी प्रेगनेंसी ताकि ये यहाँ पे इनको बेहतर फीडिंग की जाती है इनकी, ताकि बेहतर प्रिपरेशन। आप जैसे देखें माशाल्लाह इनका बॉडी स्कोर, ये 7वें महीने की प्रेगनेंसी वाले जानवर खड़े हैं इस शेड में हमारे। जी डॉक्टर साहब बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, बड़ा दिल खुश हुआ है। सारे जानवर जो है यहाँ पे हेल्दी हैं जी, तो इसके अलावा यहाँ पे जो आपने ये इनकी सेपरेशन की हुई है जी बिल्कुल, जो प्रेगनेंट जानवर है वो अलग है, जो दूध वाले हैं उसमें भी आपने ABC कैटेगरी दी हुई है जी। ये बहुत जबरदस्त है और बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत दिल खुश हो रहा है जी। ये हमारा काविंग पेन है जी जी, या आइसोलेशन पेन, इसमें हम जानवर को आखिरी हफ्ते में ले आते हैं जी जी, बच्चा देने से पहले जी जी, तैयार जानवर को वो यहाँ आके खड़ा होता है, एक जानवर के लिए एक खाना बना हुआ है हमारे पास। अच्छा ठीक है ना, ये टू साइडेड आइसोलेशन पेन्स हैं, इसमें जानवर देखें ना, आप देखें ये सामने रेडी टू तैयार है जानवर जी जी, ये यहाँ पे बच्चा देगा। अलग इसलिए हम यहाँ पे रखते हैं जी जी, ताकि एक काविंग ईज हो जानवर को जी जी, कोई दूसरे जानवर की वजह से ये डिस्टर्ब ना हो जी जी, और दूसरा क्योंकि ये हम PTP प्रोग्राम का हिस्सा है, हम मेक श्योर करते हैं कि ये जानवर का बच्चा इधर ही अकेला पैदा होता है, एक अटेंडेंट हमारा मौजूद होता है, वेटरनरी असिस्टेंट, जैसे ही डिलीवरी आती है हम मेक श्योर करते हैं कि इस जानवर का बच्चा है, उसको फौरन ही आइसोलेट कर देते हैं, क्योंकि हम फीडिंग करते हैं काव्स को, इसलिए हम मदर फीडिंग या मदर लिकिंग नहीं करने देते, फौरन ही बच्चे को आइसोलेट करते हैं। पोस्ट काविंग जो SOPs हैं उनको हम फॉलो करते हैं, जानवर को की हैंडलिंग से लेकर का न्यू बार्न काफ की हैंडलिंग तक वो सारे SOPs फॉलो करते हैं। और यहाँ पे इसी जानवर सिंगल एक पेन में एक ही जानवर इसलिए स्टे करता तो है। डॉक्टर साहब बड़े सुकून से गाय खड़ी है यहाँ पे, आप थोड़ा सा साहीवाल की जो है ना दोस्तों को बाकी गाय हम दिखाते हैं कि साहीवाल गाय जो है इसमें क्या खूबियां होनी चाहिए, मतलब ये खूबियां तो इसमें है ही सारी, इसको कैसे पहचाना जाए कि ये साहीवाल गाय है, तो इस पे ना थोड़ा सा ना मैं बता दें जी। इसका जो सबसे ऑब्वियस साइन है अपेरेंटली हम देखते हैं जी जी, सबसे पहले वो कलर आ जाता है जी जी, कलर स्कीम आ जाती है जी जी। इसमें वैसे 4 कलर वेरिएंट है जी जी, लाइट ब्राउन, ब्राउन, रेडिश ब्राउन और डन गोल्ड जी जी, तो ज्यादातर गोल्ड कलर चलता है इसमें जी, जो मोस्ट लाइक कलर है आम पब्लिक, जैसे आप देख रहे हैं माशाल्लाह प्योर जी रेड जी, गोल्ड खड़ा है, इसको आपको पता है रेड गोल्ड ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं जी जी। दूसरा हम इसके देखे हैं इसकी आईज जी जी और नॉस्ट्रल्स जी जी और स्विच ऑफ टेल जी, जो बाल दुम के जो बाल होते हैं ना जी जी, वो ब्लैक होती हैं, हूफ्स ब्लैक होते हैं, झालर होती है इसकी ऑब्वियस, और नीचे जो इसका नेवल होता है जी जी, जिसे हम दुनी कहते हैं जी जी, वो भी इसकी 3 से 4 इंच के बीच होती है जी जी, और ऊपर ज्यादा हम्प नहीं होता, अगर हम्प जिसे बड़ा हो जाए तो वो बुलिश में आ जाता है, लेकिन हम्प है और हल्का सा ऐसे कमान की तरह जी जी, इसको बल होता है जी जी, ना ही इसकी वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रेट होता है जी जी, और ना ही ज्यादा बेंड होता है बफलो की तरह, बाजफा जी जैसे आप देखें ना ऑस्टिन फ्रीजियन को उसका स्ट्रेट होता है वर्टिब्रल कॉलम जी जी, या दूसरी ब्रीड्स का, ये जानवर एवरेज साइज का है देखें और ये इसके मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम मोस्टली इसको फिनोटिपिकली हम जैसे देखते हैं जी जी, बाकी क्योंकि ये हम मैं आपको पहले बताऊं गवर्नमेंट का फॉर्म है जी जी, यहाँ पे सारे एनिमल DNA वेरीफाइड और जैसे ही प्योर ब्लड है साहिवाल का जी जी। तो डॉक्टर साहब ये जो गाय है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, इसका 42 नंबर J42 नजर आ रहा है जी माशाल्लाह, तो ये कौन से सूबे में है अभी? अच्छा इसमें मैं थोड़ा सा आपको मजीद ब्रीफ कर दूं जी, ये जी। आप इधर देखना सामने J42 जी जी, इसका मतलब है ये इसका नंबर है जी जी, दूसरी साइड पे है 16 जी जी, उसका ईयर नंबर है जी जी, यानी ये 2016 में पैदा हुई थी, इसका बर्थ नंबर था 42 जी जी, ये हमारे रिकॉर्ड के लिए पहले यहाँ नाम चलते थे जी जी, अपना रहीला, गुलनाज जी जी, अपना शरीफा, ये भी एक मशहूर गाय थी आपको पता हो, जैसे शरीफा एक मशहूर गाय थी यहाँ की, तो ये इस तरह चलते थे क्योंकि अब सारा सिस्टम बेस्ड एक्सेल
कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड मेंटेनेंस, अब तब से इनकी ब्रांडिंग हो रही है जे से जहांगीराबाद 42 बाग नंबर 42/16 है। ये 3 सुए दे चुका है जानवर। अच्छा, ठीक है, अभी माशाल्लाह ये माशाल्लाह अब चौथे में है, चौथा सुआ इसने, चौथे के लिए हमारा ये जानवर तैयार है। और अभी माशाल्लाह इसका आप अर्डर देख लें तो ये जबरदस्त उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा हाई प्रोड्यूसर एनिमल है और मजीद जाके अच्छा दूध करेगा। तो डॉक्टर साहब ये वाला जी 4716 ये भी 2016 की बर्थ है इस एनिमल की और इसका भी पांचवा सुआ है जी। तो आप ये भी हाई प्रोड्यूसर एनिमल है जी, अच्छी प्रोजनी का और एनिमल है ए कैटेगरी का जी। यहाँ पे मैंने आपको एक अर्ज करता चलूं, पहले जैसे मैंने जिक्र किया कि ए बी सी डी चार कैटेगरीज के जानवर फाल करते हैं हमारे पास जी। ये ई बी वी एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू पे कैटेगरीज होती हैं जो इनके डाटे को प्रोडक्शन और प्रोजनी के डाटे को एनालाइज करके और सायर के करेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करके लिया जाता है जी। ठीक है ना जी जी। और दूसरी एक कैटेगरी इनकी जो प्रोडक्शन पे फॉल करती है उसमें एलीट ए बी सी डी, उसमें फिर पांच कैटेगरी होती हैं 3000+ से ऊपर लीटर से ऊपर जो जानवर दूध देता है जी। वो एलीट कहलाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैक्टेशन यील्ड जी। और जो 2999 से लेकर 2700 लीटर तक दूध देता है जी। वो ए कैटेगरी के जानवर कहलाता है जी। बाकी जो जानवर है जो 2699 से लेकर 2200 लीटर तक दूध देता है जी जी वो सी कैटेगरी का जानवर कहलाता है। और 2199 से लेकर 1800 लीटर तक जो दूध देता है वो डी कैटेगरी का जानवर कहलाता है हमारे पास जी। और इस तरह वो आखिर तक यानी कि उससे नीचे जितना साहिवाल नस्ल का जो जानवर है ना सर जी, इसका अड्डर अंदर की तरफ होता है जी, पीछे की तरफ नहीं होता। डॉक्टर साहब अंदर की तरफ होता है और अपेरेंट लगता है यार इसका चड्डा इतना है इसने क्या दूध देना है जी, लेकिन इसका अड्डर ज्यादा अंदर की तरफ होता है जी, फ्रीजियन का जैसे बाहर की तरफ अड्डर होता है दोनों टांगों पिछली टांग के बीच से बाहर की तरफ नजर आता है, इसका बिल्कुल टांगों के बीच या आगे की तरफ ज्यादा होता है। डॉक्टर साहब बताइएगा आप ये जो आइसोलेशन पेन है जिसमें आपने ये प्रेग्नेंट जानवर रखे हुए हैं आखिरी दिनों में रखते हैं तो इनको आप फीड क्या करवाते हैं? जी बिल्कुल इनको इनकी डिमांड के हिसाब से बंडा देते हैं हम। अच्छा। और आखिर में इनको हम साथ में एनर्जी बूस्टर जैसे गुड़ हो गया दलिया वगैरह हो गया जी और इसके अलावा हम इनको अलसी आलू देते हैं इनकी अडर डेवलपमेंट के लिए जी। तो ताकि इनको नजर आ रहा है साथ बिल्कुल जी अडर बेहतर डेवलप हो, जितनी बेहतर अडर डेवलप होगी बॉडी कंडीशन बेहतर होगी उतना जानवर का हेल्दी काफ भी डिलीवर होगा और उसने प्रोडक्शन भी बेहतर देनी है हमें आगे चल के। तो ये हमारी फ्यूचर प्रोजनी है जो हमारे एलीट नस्ल के जानवर हैं जी, हाई प्रोड्यूसर जानवर हैं उनकी फीमेल प्रोजनी खड़ी है जी, उनको हमने इस जगह पे रखा हुआ है। देखिए माशाल्लाह इनका बॉडी स्कोर देखिए, ये एक साल डेढ़ साल तक वाले जानवर खड़े हैं यहाँ पे, एक साल जी, से ऊपर वाले, ठीक है ना। यहाँ पे हम इनको कंसंट्रेट देते हैं, मिनरल मिक्सचर देते हैं जी, साथ में फॉडर देते हैं ग्रीन फॉडर। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब ये आपने बताया कि ये एक से डेढ़ साल की एज तक के ये सारे जी जी बच्चे हैं जो जी जी, तो ये टोटली सिस्टम जो है यहाँ पे एआई से चल रहा है? जी बिल्कुल हम यहाँ पे एआई के ही करते हैं जी जी, ठीक है ना। नेचुरल इंसेमिनेशन नहीं होती बल्कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, क्योंकि आपको मैं बताया कि हम पीटीपी प्रोग्राम का हिस्सा है जी जी, और वहाँ पे एसपीयू से एक ब्रीडिंग प्लान आता है जी जी, जो ब्रीडिंग अथॉरिटी हमें देती है उन्हीं ब्रीडिंग बुल्स को ही सीमन हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने जानवर में जिनसे हम प्रोजनी लेते हैं। यहाँ पे दो तरह के बुल्स यूज होते हैं, प्रूवन और टेस्टिंग। अच्छा। ए और बी कैटेगरी के जानवर है उनमें प्रूवन बुल्स यूज होते हैं जी जी, सी डी में टेस्टिंग बुल्स यूज होते हैं जो बाद में इवेल्युएशन के बाद जो टेस्टिंग बुल्स भी बाद में प्रूवन हो जाते हैं जब उनकी प्रोजनी आ जाती है जी, उनकी प्रोजनी का एनालिसिस होता है डाटा एनालिसिस प्रोडक्शन पैरामीटर एनालिसिस, तो फिर उनको हम वो बाद में जाके प्रूवन बुल्स बन जाते हैं।